हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या ट्रांसड्यूसर्स के बारे में, कि ट्रांसड्यूसर्स जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, उनका इनपुट के अकॉर्डिंग क्या ऑपरेशन होता है, मतलब इनपुट के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, जो हमारी वर्किंग है उसके टाइप पे, ऑपरेशन के टाइप पे कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, और जो हमारा आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर कैसे वर्क करता है, कौन से प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइप के इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। ओके, तो जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, इंडक्टेंस आप लोग ने पढ़ा होगा, इंडक्टेंस जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, जिसने भी इंडक्टेंस के बारे में जो नहीं जानता है तो वो हमारा नेटवर्क में, इसमें ही हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, बाकी आप नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें सर्च कर सकते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, दो पार्ट में है हमारा इंडक्टेंस, पार्ट वन और पार्ट टू, दोनों आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टेंस एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, इंडक्टेंस में कैसे हमारा करंट का वेरिएशन होता है, कैसे हमारा जो करंट है वो टाइम के साथ, मतलब अगर जीरो माइनस है और जीरो प्लस है उसमें हमारा करंट तुरंत चेंज होता है या नहीं होता है, किस कंडीशन में चेंज हो सकता है या फिर क्या वोल्टेज होता है, वो मैंने वहां पे पूरा डिस्कस किया है, इसलिए आप वहां जाके इसको एक बार पहले देख लें कि इंडक्टेंस हमारा क्या होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो इंडक्टेंस है एक्चुअली में वो क्या होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि उसी के प्रिंसिपल पे क्या हो रहा है, काम कर रहा है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर नाम ही है हमारा, तो जो बीच का हमारा जो इसमें वर्क होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन उस पर काम करता है हमारा। तो सबसे पहले इंडक्टेंस पता होना चाहिए अपन को कि इंडक्टेंस क्या होता है, तो वो आप यहाँ पे जाके देख लें, क्योंकि हम बार बार डिस्कस करेंगे तो टाइम हमारा काफी वो हो जाता है, तो आप इसमें जाके एक बार इंडक्टेंस देख लें कि इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, क्या उसकी यूनिट होती है, कैसे उसमें टाइम के साथ वेरिएशन होता है, करंट हमारा कब कम होता है कब ज्यादा होता है, मतलब अगर जीरो माइनस है जीरो प्लस है तो क्या करंट वेरी करेगा या नहीं करेगा, या वेरी करेगा तो किस कंडीशन में वेरी करेगा, वोल्टेज क्या होता है, उसका पावर क्या होता है, वो एक बेसिक हमारा इंडक्टेंस समझने का हमारा क्या है, पार्ट है कि हमारा इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर ट्रांसड्यूसर, तो हम सीधा डिस्कस करेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर हमने बता चुके हैं ऑलरेडी कि ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर हमारा एक ऐसी डिवाइस है जो एक फिजिकल क्वांटिटी को अनदर फिजिकल क्वांटिटी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करें वो क्या हो जाते हैं हमारे, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये क्या है हमारा, एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, हमने जब आपको ट्रांसड्यूसर के टाइप बताए थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो इनपुट के बेस पे कौन से होते हैं, ऑपरेशन के बेस पे क्या होते हैं और आउटपुट के बेस पे क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर अपन फर्स्ट बात करें इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है इसको इनपुट के बेस पे अपन बात करें, तो इनपुट के बेस पे अपन ने देखा था कितने टाइप के होते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप होते हैं, प्रेशर टाइप होते हैं हमारे, ठीक है, फ्लो टाइप। तो ये जो है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है हमारा, इट इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर, ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, देखेंगे अपन कैसे है कि इसमें क्या होता है, जो इनपुट है वो अपन डिस्प्लेसमेंट देते हैं, उसकी जो कोर है उसमें डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो उसके कारण फ्लक्स में वेरिएशन होता है, उसके कारण आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन होता है। तो अगर इनपुट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर है। सेकंड, ऑपरेशन के बेस पे अगर अपन देखेंगे तो किस टाइप का है, इंडक्शन टाइप का है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है वो क्या है हमारा, बीच में इंडक्टेंस आता है, इलेक्ट्रिकल टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट टू क्या, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्टेज में, डिस्प्लेसमेंट है इनपुट, वोल्टेज है आउटपुट, बट बीच में जो फंक्शन कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंडक्टेंस, जैसे अभी तक रेजिस्टेंस कर रहा था जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, स्ट्रेन गेज, पोटेंशियोमीटर, आरटीडी, थर्मिस्टर, वैसे इसमें क्या करता है हमारा, जो बीच का फंक्शन है वो कौन वर्क करता है, इंडक्टेंस, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, इट इज एन इंडक्टिव
इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, नाम ही है हमारा तो वो हो गई इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे तो ये क्या होता है हमारा, दो टाइप के होते हैं, सेल्फ जनरेटिंग और नॉन सेल्फ जनरेटिंग। जो सेल्फ जनरेटिंग है तो वो क्या हो जाएगा एक्टिव टाइप, और नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप तो वो क्या हो जाएगा हमारा पैसिव टाइप, ठीक है। तो इट इज अ ट्रांसड्यूसर विच इज ऑफ बोथ टाइप, बोथ एक्टिव एंड पैसिव टाइप, ये दोनों टाइप के होते हैं, एक्टिव भी हो सकता है पैसिव भी हो सकता है, ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये क्या हमारा, इट इज अ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ये एक टाइप का क्या हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या है, वह ट्रांसड्यूसर जो क्या करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ये क्या है एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। बीच में इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, इसमें क्या करते हैं इनपुट जो है वो हमारा क्या देते हैं डिस्प्लेसमेंट, और आउटपुट जो मिलता है अपन को वो मिलता है वोल्टेज, ठीक है, इनपुट डिस्प्लेसमेंट होता है, आउटपुट होता है हमारा वोल्टेज। तो ये क्या है हमारी मैकेनिकल क्वांटिटी, और ये क्या है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये किस टाइप का ट्रांसड्यूसर हो गया, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कि क्या करते हैं फिजिकल क्वांटिटी या मैकेनिकल क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो सिंपल सा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है वो एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर होगा, इनपुट के अकॉर्डिंग देखेंगे ऑपरेशन के बेस पे तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, आउटपुट के अकॉर्डिंग तो एक्टिव पैसिव दोनों होते हैं, क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं सेल्फ जनरेटिंग और नॉन सेल्फ जनरेटिंग। जो सेल्फ जनरेटिंग है मतलब खुद से जो जनरेट कर ले रहा है, एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइप के क्या कहलाएंगे एक्टिव टाइप, और जिसमें एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होगा वो क्या कहलाएंगे हमारे पैसिव टाइप, ठीक है। ये एक टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है मैकेनिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को किस में कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज में, जो कि क्या हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो ये एक टाइप का क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, ओके। तो अब ये हमारा कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है हमारा ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इट वर्क्स ऑन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है हमारा इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है किस पे वर्क करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कहीं भी कि जो हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब फैराडे लॉ क्या होता है हमारा, फैराडे के हमारे दो नियम है, ठीक है, फैराडे के हमारे क्या है दो नियम है हमारे, फैराडे गिव्स टू लॉ, फैराडे के दो नियम है हमारा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या कहता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये कैसे पता चलेगा, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स उस कंडक्टर से लिंक करेगा उतना ज्यादा कट करेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो फैराडे ने दो नियम दिए हैं, फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, व्हेन एवर अ कंडक्टर कट्स द फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट,
जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, व्हेनेवर अ कंडक्टर कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा, द क्वांटिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कितना हमारा ईएमएफ होगा, द क्वांटिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जितना फ्लक्स उससे क्या कर रहा होगा, लिंक कर रहा होगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा कोई भी, ओके, फैराडे क्या बोलता है हमारा, ये हमारा कोई भी मैग्नेट है। ठीक है, इसमें चारों तरफ यहाँ पे ये हमारा ये कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ इसमें ये फ्लक्स हमारा हो रहा है, तो ये जो कंडक्टर है ये फ्लक्स जितना कट करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स जो होता है वो हमेशा नॉर्थ से क्या होता है, साउथ होता है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो कितना होगा, इसकी क्वांटिटी क्या होगा, इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा हमारा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारा। अगर कम टर्न्स होंगे, ठीक है, तो वो कम मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। तो एन क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, ई क्या है, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है वो। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, किस रेट से फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रहा है वो। ठीक है, ये जो माइनस साइन लगाता है ये क्या बताता है हमारा, लेंज लॉ, लेंज लॉ। ठीक है, ये जो माइनस साइन है वो क्या हमारा, लेंज लॉ है। लेंज लॉ क्या बोलता है, जो भी हमारा कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। ठीक है, जिस भी कारण से फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है उसका क्या करेंगे अपन, अपोज करता है, लेंज लॉ हमारा ये बोलता है हमारा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फैराडे लॉ हो गया कि फैराडे लॉ क्या बोलता है हमारा कि जब कोई भी कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा फैराडे लॉ हो गया। इसी पे क्या होता है हमारा, जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब जो ये फ्लक्स कट करेगा इसकी दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं, ये जो फ्लक्स हमने बोला है इसमें यह दो कंडीशंस होती हैं कि दो चीजें हैं, एक तो हमारा क्या है, फ्लक्स, और एक क्या है, कंडक्टर। एक है हमारा फ्लक्स और एक है हमारा कंडक्टर। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो फ्लक्स क्या हो, मूविंग हो, ठीक है, और कंडक्टर क्या हो, स्टेशनरी हो। ठीक है, या फिर फ्लक्स क्या हो, स्टेशनरी हो, और कंडक्टर क्या हो, मूविंग हो। ठीक है, जब भी हमारा ये कट करना है, मतलब जो ये फैराडे लॉ है वो क्या बोलता है कि जब भी कोई कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ये, इसे ये फ्लक्स जा रहा है, ये फ्लक्स को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दो ही कंडीशन हो सकती है कि या तो कंडक्टर क्या है, मूविंग हो, फ्लक्स स्टेशनरी, फ्लक्स हमारा स्टेशनरी है, कंडक्टर मूव कर रहा है तो वो उसको कट करेगा, या फिर कंडक्टर हमारा स्टेशनरी हो, फ्लक्स मूविंग हो। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी होगा। अगर दोनों क्या है हमारे, स्टेशनरी हो जाए, कंडक्टर भी स्टेशनरी है, फ्लक्स भी स्टेशनरी है, तो वो क्या होगा, उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वो एक दूसरे को कट हमारा नहीं करेंगे हमारा। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कि कंडक्टर फ्लक्स मूविंग हो, पहली कंडीशन क्या है ये, कि फ्लक्स मूविंग तो कंडक्टर स्टेशनरी, दूसरी क्या है, फ्लक्स स्टेशनरी तो कंडक्टर मूविंग। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है, इसमें जो अपन पढ़ते हैं वो अपन क्या पढ़ते हैं, ये वाली कंडीशन पढ़ते हैं कि जो हमारा फ्लक्स होता है
वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है, और जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है हमारा, मूविंग होता है। ठीक है, फ्लक्स स्टेशनरी होता है और जो कंडक्टर होता है हमारा वो क्या होता है हमारा, मूविंग होता है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, कंडक्टर जो है हमारा उसको क्या करते हैं, मूव कराते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। तो कंडक्टर में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, फ्लक्स कट करेगा, उसी के हिसाब से ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, जितना डिस्प्लेसमेंट आया है हमारा वो क्या हो गया हमारा, उसने के थ्रू अपन ने क्या कर लिया है, मेजर कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हमारा बेसिकली किस प्रिंसिपल पर वर्क कर। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा कि जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है वो किस पर वर्क करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है, इसके दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, तो वो सेकेंड लॉ बोलता है कि जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, मतलब जितना फ्लक्स उससे क्या करेगा, लिंक करेगा, कितने टाइम में कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हमारा फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है हमारे, ये दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है सेल्फ जनरेटिंग टाइप और एक होता है हमारा नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है इट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सेल्फ जनरेटिंग टाइप, सेल्फ जनरेटिंग टाइप, और एक होता है नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप, नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। ठीक है, एक होता है सेल्फ जनरेटिंग टाइप और एक क्या होता है हमारा नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप जो है ये हमारा क्या होता है, हमारा सेल्फ जनरेटिंग टाइप जो होगा हमारा ये क्या करता है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस पर वर्क करता है हमारा। ठीक है, ये जो होता है हमारा वो सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल। और ये जो होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, जिसमें क्या होता है हमारा एक कंडक्टर होता है हमारा, मतलब एक कॉइल होती है, बाइंडिंग होती है, उसी में फ्लक्स होता है हमारा और उसी की उसी में क्या करता है हमारा, लिंक करता है। और म्यूचुअल प्राइमरी में क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, उसके कारण सेकेंडरी जो है हमारी इसमें क्या हो रहा है हमारा, फ्लक्स हमारा जनरेट हो रहा है आउटपुट। तो इसके कारण इसमें क्या हो रहा है हमारा, इंडक्शन हो रहा है, मतलब वो म्यूचुअली है, मतलब इसमें दे रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। प्राइमरी में अपन सप्लाई देंगे जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें अपन प्राइमरी में क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं और उसके म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या होता है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग है यहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा, कट करेगा और यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जहाँ पे दो वाइंडिंग्स होती है या दो कंडक्टर वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है, और जहाँ पे सेल्फ है मतलब एक कॉइल है उसी का फ्लक्स है उसी के कारण क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है उसी के मूवमेंट, तो वो हो जाएगा हमारा सेल्फ इंडक्शन। तो दो टाइप के होते हैं, सेल्फ जनरेटिंग टाइप, नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। सेल्फ जनरेटिंग टाइप सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, म्यूचुअल नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, एलवीडीटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में एलवीडीटी क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो जो सेल्फ जनरेटिंग टाइप हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक टाइप का एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, और ये क्या हो जाएगा, पैसिव, क्योंकि इसमें अपन नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप है, खुद से इसमें जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, एक अपन अलग से क्या करते हैं, सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे हैं, सेल्फ जनरेटिंग टाइप और नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। तो अभी अपन इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं सेल्फ जनरेटिंग टाइप, नेक्स्ट में अपन डिस्कस करेंगे नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप जो है एलवीडीटी वो क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ जनरेटिंग टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या है हमारा, सेल्फ जनरेटिंग टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर
जो सेल्फ जनरेटिंग टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है ये किस पर वर्क करेगा हमारा? इट वर्क्स ऑन सेल्फ इंडक्शन। ये सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा, मतलब वही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, केवल एक क्वाइल यूज की जाती है, फ्लक्स उस क्वाइल में जनरेट होता है हमारा। ठीक है, और जो आर्मेचर है उसको अपन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, इन दिस ओनली वन क्वाइल इज यूज एंड फ्लक्स इज जनरेटेड इन दिस क्वाइल। इसमें केवल एक क्वाइल यूज की जाती है और फ्लक्स जो है वो जनरेट होता है हमारा इस क्वाइल में। ठीक है, फ्लक्स जो है वो इस क्वाइल में जनरेट होता है। तो जब अपन आर्मेचर का मूवमेंट करेंगे तो द एयर गैप बिटवीन आर्मेचर एंड फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा, देखिए अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारी कोई भी एक हमारी क्या है, कॉइल है हमारी। ठीक है, इसमें ही क्या होगा हमारा, फ्लक्स जनरेट होगा हमारा। ठीक है, ये यहाँ से हमारा अपन ने इसको कनेक्ट कर देंगे। ये इंडक्टेंस मेजरमेंट कोई भी डिवाइस लगी हुई है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक कॉइल है। क्या है, सिंपल एक हमारी कॉइल है। इसी में क्या हो रहा है हमारा, जब अपन करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें क्या होगा हमारा, एक फ्लक्स हमारा क्या होगा, जनरेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये अपन ने क्या किया है, हमारा आर्मेचर लगा है। ठीक है, तो इसको जब अपन क्या करेंगे, मूव कराएंगे, ये जो आर्मेचर जो है ये क्या है, इसका ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे जैसे इस आर्मेचर में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, फ्लक्स कट करेगा। ये चारों तरफ इस कॉइल के क्या है, ये जो क्वाइल है इसके चारों तरफ ये हमारा क्या है, फ्लक्स लाइंस है। ठीक है, ये जो रेड वाली है ये क्या हमारी, फ्लक्स लाइंस है। ठीक है, तो ये जो कंडक्टर जैसे मूव करेगा, अगर ये कंडक्टर यहाँ जाएगा तो ये ज्यादा फ्लक्स को कट करेगा, ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कंडक्टर यहाँ जाएगा तो कम फ्लक्स को कट करेगा, तो ईएमएफ इंड्यूस कम होगा। ठीक है, तो इसका जो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा इस आर्मेचर का, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फ्लक्स को कट करेगा। और फैराडे लॉ क्या बोलता है, जितना फ्लक्स कट करेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो क्या है, फ्लक्स के आर्मेचर के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, सेल्फ जनरेटिंग टाइप है। इसमें जो अपन को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, ये जो भी हमारा है वो सेल्फ जनरेटिंग टाइप, खुद से हमारा जनरेट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ जनरेटिंग टाइप, मतलब इसमें केवल एक कॉइल होगी। सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है हमारा, काम करता है हमारा। ठीक है, एक क्वाइल है, उसका जो हमारा फ्लक्स है वो उसी क्वाइल में है, उसी को कट कर रहा है, उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप हो गया, कि सेल्फ जनरेटिंग टाइप जो है हमारा वो उसमें एक सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेल्फ इंडक्शन क्या है, मतलब खुद का फ्लक्स है, उसी की उसमें क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसी को कट कर रहा है, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो दो टाइप के हैं, सेल्फ जनरेटिंग टाइप, नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप। तो जो नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप है एलवीडीटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके थ्योरेटिकल्स एग्जाम हो, सेमेस्टर वाइज या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप एलवीडीटी क्या होता है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये हमारा सिंपल था कि सेल्फ जनरेटिंग टाइप में क्या है, एक कॉइल होती है, उसमें हमारा फ्लक्स इंड्यूस होता है। तो ये जो कंडक्टर, जब ये हमारा कॉइल है, इसमें करंट जब हमारा फ्लो करेगा, इस कॉइल में जब हमारा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा हमारा। तो ये फ्लक्स इंड्यूस हो गया हमारा इसके चारों तरफ। जब अपन इस आर्मेचर का क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, आर्मेचर हमारा ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है उसको क्या करेगा, कट करेगा। तो उसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जितना मूवमेंट करेगा, मतलब जितना इस आर्मेचर में डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी के हिसाब से क्या होगा हमारा, मूवमेंट होगा। जितना आर्मेचर में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के कारण उसी उतना ही क्या होगा, फ्लक्स कट करेगा। पास में जाएगा तो ज्यादा फ्लक्स कट करेगा, दूर आएगा तो कम फ्लक्स कट करेगा। तो पास में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये कम हो जाएगा, और यहाँ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो किस पे वर्क करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है
सेल्फ जनरेटिंग टाइप है क्योंकि ये खुद ही की क्वाइल, जो एक क्वाइल है उसी का उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसी को कट कर रहा है, उसके कारण हो जाता है, इसमें अपन को एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया सेल्फ जनरेटिंग टाइप इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे हमारा नॉन सेल्फ जनरेटिंग टाइप, जो कि क्या है हमारा LVDT। ओके, थैंक यू।